फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंथ। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए एनसीईआरटी पर आधारित टॉप क्वेश्चन, जो एनसीईआरटी पर आधारित हैं। और ये क्वेश्चंस पर्यावरण से संबंधित हैं, जिसमें 24 क्वेश्चन हैं, जो आप फटाफट से इनको पढ़ करके, इनको देख करके आंसर दीजिए, ताकि आने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, इसके बाद ही तुरंत ही जुलाई मंथ से सितंबर के बीच में आपका यूपी टेट का तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके लिए भी आप लोग प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। और फ्रेंड्स, देखिए कौन से क्वेश्चन हैं आपके इस वीडियो में, सो आप लोग जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए। इसके पहले, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे सभी वीडियोज़ की और लाइव सेशन की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन में, किस पादप को बंगाल का आतंक कहा जाता है, इसके पहले की कुछ 5 क्वेश्चन हैं, ये आपको इसका जो वीडियोस ऑलरेडी ऑलरेडी डाला जा चुका है, तो आप लोग उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके देख लीजिएगा, आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो देखिए, किस पादप को बंगाल का आतंक कहा जाता है, तो बंगाल का आतंक आप बताइए आंसर, जलकुंभी, शैवाल, गाजर घास या विलायती बबूल, किसी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है, जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए, ऑप्शन ए, जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनिद्रा से ग्रस्त रोगियों की संख्या में तीव्र वृद्धि का कारण है, मतलब जो अनिद्रा से, स्लीपिंग से संबंधित तो आजकल रोगी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो उसका कारण क्या है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, शोर प्रदूषण या तापीय प्रदूषण। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, शोर प्रदूषण। शोर प्रदूषण के कारण आजकल अनिद्रा से बहुत समस्याएं हो रही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चेर्नोबिल दुर्घटना में व्यापक जनहानि का कारण था, क्या कारण था, भीषण अग्निकांड, रेडियोधर्मी प्रदूषण, गैस रिसाव या जल भाव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रेडियोधर्मी प्रदूषण। रेडियोधर्मी प्रदूषण चेर्नोबिल दुर्घटना में व्यापक जनहानि का कारण था। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्थोवेक्टर किस कार में उपयोगी सिद्ध हुआ है, तो तेल के प्रभाव को नष्ट करने में, प्लास्टिक कचरा हटाने में, मल जल को नष्ट करने में या रेडियोधर्मी विकिरण को रोकने में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तेल प्रभाव को नष्ट करने में, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ये आप लोग इसको देख पा रहे होंगे, ऑप्शन ए, तेल के प्रभाव को नष्ट करने में। अगला क्वेश्चन देखिए, रेडियो सक्रिय तत्वों के विकिरण से उत्पन्न खतरों को कहा जाता है, रेडियो सक्रिय खतरे, नाभिकीय खतरे, विकिरण खतरे या आणविक खतरे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नाभिकीय खतरे। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग भी जल्दी जल्दी से इसके आंसर दीजिए और बताइए कि आंसर कौन सा सही होगा, प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो देखिए, बाढ़, भूकंप, अग्निकांड और भूस्खलन, तो आप लोगों को 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे और प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो इसमें आप लोग बता पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि जो अग्निकांड होता है ये प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, चक्रवात से सर्वाधिक विनाश किस क्षेत्र में होता है, तो चक्रवात से सर्वाधिक विनाश हिमालय क्षेत्र में, गंगा मैदान में, समुद्र तट में, पठारी क्षेत्र में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, समुद्र तट में चक्रवात से सर्वाधिक विनाश होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 134, और ये आपको नंबर दिया हुआ है, लेकिन टोटल 24 क्वेश्चन थे इस हमारे वीडियो में। कंप्यूटर, सेलुलर फोन इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अपशिष्ट को कहते हैं, ई वेस्ट, शी वेस्ट, डी वेस्ट या वी वेस्ट। तो सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए, ई वेस्ट, ई वेस्ट कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, सुनामी लहरों की उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या होता है, तो जब सुनामी लहरें आती हैं उनकी उत्पत्ति का प्रमुख कारण होता है ज्वारभाटा, चक्रवात, समुद्री भूकंप या प्रदूषण। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी, समुद्री भूकंप सुनामी लहरों का उत्पत्ति का कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, वायु का जो आवरण पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है उसे क्या कहते हैं, तो आप सभी ने पता है कि इसको कहते हैं वायुमंडल, ऑप्शन बी सही होगा।
अगला क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है वायु का आवरण। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, 78% लगभग पाया जाता है। तो 78% जो पाया जाता है वो नाइट्रोजन होता है, और 21% लगभग जो होता है ऑक्सीजन होता है, बाकी का जितना परसेंटेज होता है वो अन्य गैसें होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा तत्व मिट्टी के निर्माण में, ये देख पा रहे होंगे आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मिट्टी के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण है, कौन सा है? शैल, रासायनिक तत्व, वनस्पति या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सेल। देखिए जो सेल होते हैं मिट्टी के निर्माण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए, ध्रुवीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा तल संतुलन का कारक है? बहता हुआ जल, पवन, लहरें, हिमानी। तो ध्रुवीय क्षेत्र में कौन सा तल संतुलन का कारक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हिमानी। ऑप्शन डी, हिमानी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही होती है, आप सभी जानते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, मरुस्थली प्रदेशों में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संतुलन का कारक है? बताइए, देखिए यहाँ मरुस्थली प्रदेशों की बात हो रही है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पवन। पवन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष पर्यंत जल से परिपूर्ण नदियों को कहते हैं सदा नीरा या सतत वाहनी, असदा नीरा या असतत वाहनी, उपधारा या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सदा नीरा या सतत वाहिनी, क्योंकि यहाँ वर्ष पर्यंत जल से संबंधित है, तो सतत वाहिनी, हमेशा बहने वाली, सदा नीरा। अगला क्वेश्चन देखिए, संवाहनिक वर्षा कहाँ होती है? विषुवत रेखीय प्रदेश में, ध्रुवों पर, शीतोष्ण कटिबंध, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विषुवत रेखीय प्रदेश में संवाहनी वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्थल से महासागरों की ओर चलने वाली पवनों को क्या कहते हैं? तो जो स्थल से महासागरों की ओर जो पवने चलती हैं उनको कहते हैं अपतट पवने। अपतट पवने इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पारितंत्र का अजैव घटक कौन सा है? रासायनिक पदार्थ, सागरी जीव, स्थली जीव या वनस्पति। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रासायनिक पदार्थ। अगला क्वेश्चन देखिए, भौतिक पर्यावरण से अपना भोजन स्वयं बनाने वाले जीव कहलाते हैं उत्पादक, उपभोक्ता, परिपोषित, अपघटक। तो भौतिक पर्यावरण से जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसकी बात हो रही है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्पादक। जो उत्पादक होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो पर्यावरण से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधे और जंतुओं के अपघटित ऊतकों का भोजन करने वाले को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए, जल्दी से बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। तो होगा अपहृदभोजी, उपभोक्ता, अनादिक या उत्पादक। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अपहृदभोजी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का जैव घटक नहीं है? वसा, प्रोटीन, विटामिन या खनिज। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो पारितंत्र का जैव घटक नहीं है, तो जो खनिज होता है ये जैव घटक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, झीलों के पानी में ऑक्सीजन कहाँ अधिक होती है? सतह पर, नीचे की परत में, बीच में या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सतह पर। झीलों के पानी में ऑक्सीजन जो होती है वो सतह पर सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषता क्या है? ये मानवीकृत होते हैं, ये निशुल्क होते हैं, ये निष्क्रिय होते हैं, ये व्यक्तिगत संपत्ति होते हैं।
तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ये निशुल्क होते हैं, जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं ये निशुल्क होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट 24वां क्वेश्चन है, पर्यावरण में परिवर्तन करने वाला सर्वाधिक सक्रिय घटक कौन सा है? जलवायु, मानव, प्रकृति या इनमें से सभी? तो क्वेश्चन दीजिए, ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण में परिवर्तन करने वाला सर्वाधिक सक्रिय कारक। तो सबसे सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मानव। देखिए, मानव एक अहम भूमिका निभाता है पर्यावरण को परिवर्तित करने में, और जो मानव होता है वही एक्टिव है, पर्यावरण संतुलन बिगाड़ भी सकता है और बना भी सकता है। जैसे आजकल बहुत ज्यादा वनोन्मूलन हो रहा है, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, और पर्यावरण में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है, बारिश भी बहुत कम हो रही है, एक बहुत बड़ा चेंजेस आ गया है एनवायरनमेंट में। सो सबसे ज्यादा सक्रिय कारक होता है मानव। सो फ्रेंड्स, ये हमारे जो टॉप 24 क्वेश्चन थे ये कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ ही आप लोग प्लीज प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियोस की अपडेट आपके पास तक पहुंचती रहे और आप लोग अपने एग्जाम के लिए और भी बढ़िया बेहतर प्रिपरेशन को कर सके। सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट।